हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो वैकेंसीज आई हुई हैं, दो वैकेंसीज के ऊपर मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जो लोग भी, पहली बात क्लियर कर देता हूं, जो लोग भी गोवा में जॉब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये सिर्फ वीडियोज है। अगर आप लोग गोवा में जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट के लिए नहीं बनाई गई है। तो जो लोग भी गोवा में आना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्किप मत करें, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है जॉब सर्च करने में। यहाँ पे जॉब किस कंपनी में निकली हुई है ये पता होना चाहिए आपको, अगर आप गोवा आ रहे हैं जॉब करने के लिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों, वैकेंसीज दो जगह आई हुई है, ठीक है, दोनों जो लोकेशन है गोवा में ही है, बाकी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा अभी। तो पहली वैकेंसीज के बारे में बात करें तो पहली जो वैकेंसी आई है वो है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि अकाउंट्स की जॉब के बारे में बताओ, क्योंकि गर्ल्स जो है अकाउंट्स की फील्ड को ज्यादा प्रेफर देती हैं, क्योंकि कॉमर्स सेक्टर से आती हैं, तो प्रेफरेंस जो है गर्ल्स के लिए अकाउंट्स में काफी जो है ना स्कोप, एक तरह से देखा जाए तो स्कोप होता है। और ज्यादातर गर्ल्स जो है आज के टाइम पे तो फॉर्मल हो गया है, बॉयज भी कॉमर्स को चूज करते हैं, गर्ल्स भी कॉमर्स को चूज करती है। तो बट अकाउंट्स की जो जॉब आई हुई है दोस्तों, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, मिनिमम एज की बात करूं तो 18 इयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे एक आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है यहाँ पे, अगर आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो टाइमिंग है वो है 9 से 6। तो टाइमिंग ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मल जो आपका एक आईटी सेक्टर का टाइम होता है वो है, ठीक है। नाइट शिफ्ट आपको यहाँ पे नहीं करने को दिया जाएगा, तो डे शिफ्ट की जॉब है। प्लस इसमें आपको जो लोकेशन की बात करूं वो है वेला गोवा, ठीक है। जो लोग भी गोवा में रहते हैं या फिर जो लोग आ चुके हैं कई बार गोवा, तो उन लोगों को इस लोकेशन के बारे में काफी अच्छी तरह से पता होगा। बट जिन लोग, जो लोग नए हैं या आना चाहते हैं, वो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, तो आपको इजीली यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। सैलरी की बात करूं तो 15,000 यहाँ पे सैलरी होने वाली है आपकी, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि हर जॉब में एक्सपीरियंस मांगा गया होता है, ठीक है, और इस जॉब में भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट एक्सपीरियंस किस चीज का होना चाहिए, देखिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अकाउंट्स का, ठीक है। और बेसिक जो नॉलेज आपके पास क्या होनी चाहिए, सिर्फ आपको बेसिक टैली की एंट्रीज आनी चाहिए, बेसिक। मैं आपको बिल्कुल हाई प्रोफाइल वाली नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक एंट्रीज आनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें है ना, तो आप इस जॉब को इजिली, इसका जो इंटरव्यू है वो क्रैक कर लोगे, ठीक है। अब सेकेंड की जो बात करें, सेकेंड पोस्ट किस वैकेंसीज के लिए आई हुई है, तो सेकेंड है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस पोजिशन के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि इस टाइप की जो जॉब्स होती है ना इंडिया में काफ़ी जगह निकलती हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की हो, ठीक है, या फिर आपकी जो ये मैन्युफैक्चर सेक्टर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इस टाइप की जॉब होती है, ठीक है। बट काम जो होता है ओवरऑल ज़्यादातर सबका सेम होता है, किसी को टारगेट पूरा करना होता है या फिर किसी को बैंक से जो रिलेटेड डील होती है वो क्लियर करनी होती है। इसमें जो एक्सपीरियंस की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे मिनिमम एक्सपीरियंस है 1 साल, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके होना चाहिए किसी भी सेल्स में, चाहे आपने बैंकिंग सेक्टर में किया हो, होटल इंडस्ट्री में किया हो, या फिर किसी भी सेक्टर में आपने सेल्स का काम किया हो, तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। अब दोनों वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, देखिए क्वालिफिकेशन आपके पास 12th भी हो तो भी चलेगी, बट आपके पास जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। जैसे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में तो सिंपल सा है कि आपको बेसिक टैली एंट्रीज आनी चाहिए, चाहे आपने वो 12th के बाद सीखा हो या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद करी हो, बेसिक एंट्री आनी चाहिए और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे आपने किसी छोटे सेक्टर में काम किया हो, किसी ऑफिस में काम किया हो या किसी बहुत बड़े कंपनी में काम किया हो, ये सब एक नॉर्मल चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से वही वैकेंसीज जो है शेयर करता हूँ जिसमें एक्सपीरियंस कम मांग गया हो, जिसमें क्वालिफिकेशन कम मांगी गई हो, और इसमें आपको सैलरी जो ओवरऑल स्टार्टिंग के लिए काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें भी फील्ड से एग्जीक्यूटिव है, इसमें भी आपको 9 से 6 का जो है टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 9 से 6 का ही आपका रूटीन जो वर्क होता है वो उसमें आपको काम करना है, ठीक है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वहां पे आपको CV सेंड करना है और सब्जेक्ट में ये मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है जो मैंने आपको शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस टाइप की वैकेंसीज के बारे में आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की और वैकेंसीज देखने के लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और इससे अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी हो या आपका कोई क्वेरी हो
चाहे आप ये पूछना चाहते हो अकोमोडेशन के लिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और इससे रिलेटेड कई सारी और वीडियोज मैंने बनाई हुई है, आप वहां जाके भी चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।